भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश में तेजी से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। बीते 24 घंटों में 50,848 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मौतों के आंकड़े में भी कमी आई है। बीते 24 घंटों में 1,358 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 68,817 मरीज भी ठीक हुए हैं। बात करें अगर एक्टिव मरीजों की, तो संख्या देश में 6,43,000 हो गई है, 194 हो गई है। आपको बता दें कि लगातार जो ये मामले हैं वो घट रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े को लेकर अगर बात करें तो ग्राफ लगातार जो है वो गिर रहा है। 24 घंटों में 50,848 नए मरीज मिले हैं। साथ ही साथ मौतों के जो आंकड़े हैं उसमें भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 1,398 मरीज मिले हैं। लगातार जो ये आंकड़े हैं वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। दरअसल ये लॉकडाउन का असर है, इसी वजह से जो लगातार आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल कर आ रही है, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो घटते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 50,848 नए मरीज मिले हैं। साथ ही साथ मौत के जो आंकड़े हैं उसमें भी कमी देखने को आ रही है। लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो राज्यों से अगर हम सामने आ रहा है धीरे धीरे, और जिसको लेकर के देश में भी अब कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। मरीजों की मौत जो है उसमें भी गिरावट आई है। 24 घंटे में 68,817 मरीज ठीक भी हो गए हैं। बात अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की करें तो देश में 6,43,194 मरीज जो हैं वो अभी तक एक्टिव मरीज हैं। तो लगातार देश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त तक कि देश में लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। तो देश में तेजी से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, और लगातार राज्यों में जो ग्राफ गिर रहा है उसको लेकर के अब देश के भी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होते जा रहे हैं। ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, मौत के आंकड़ों में भी कमी आ रही है, और लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना के जो एक्टिव मरीजों की संख्या है उसमें भी कमी आ रही है, कोरोना का ग्राफ जो है वो भी गिर रहा है। अभी बिल्कुल देखिए, जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो अब ठीक हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था और अब की अगर स्थिति देखें तो लगातार गिरावट हो रही है मरीजों की संख्या में। जो संक्रमित मरीज थे वो ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही जो मृत्यु दर है वो भी अब कम हुआ है पहले के मुकाबले। पहले जिस तरीके से अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, शमशान घाट में भी जगह नहीं थी, वो भी पूरे के पूरे फुल पड़े हुए थे, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब कोरोना की दूसरी लहर जा रही है और उसका असर अब अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है, और यह भी कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका भी असर देखने को मिला है। कोरोना के काबू होते हालात के बीच आपको बता दें 9 राज्यों में अभी भी 1,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। उन राज्यों के नाम महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और असम है। ये वो राज्य हैं जहां आंकड़ा 12,000 से ज्यादा मिल रहा है अभी भी। इसके साथ ही 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे लॉकडाउन जैसी पाबंदियां फिलहाल लगी हुई हैं। उन राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी। बिहार से सटा ही झारखंड है, लेकिन झारखंड में अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई है कि वहां से लॉकडाउन हटाया जा सके, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अब नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन हटा दिया गया है, राहत थोड़ी बिहार में मिली है, लेकिन झारखंड में अभी स्थितियां और ठीक होने की जरूरत है, तब वहां पे लॉकडाउन हटाया जाएगा। इसके साथ ही 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन अभी भी है। उसमें है केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात इन में शामिल है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक तो हो रही हैं, लेकिन
कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, आंशिक लॉकडाउन है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे छूट दे दी गई है। तो पहले के मुकाबले जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हो रही है, और जो कोरोना की दूसरी स्ट्रेन है वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। अब तीसरी लहर जो कोरोना की है उसको लड़ने के लिए सरकार तैयारी पूरी कर रही है। निषेध, तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो लापरवाही के साथ लगातार देखने को मिल रहे हैं, मास्क लगा नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं और देश में तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में लोगों को लगातार सरकार जो है वो लगातार जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करने के लिए कह रही है, लेकिन लोग जो है वो लापरवाही खासा बरत रहे हैं। बिल्कुल, तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर इस बार बच्चों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी नियमों में छूट दी गई है, जो रियायतें दी गई हैं लोगों को, उसमें लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब छूट मिली है लोगों को तो उसमें लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो उन लापरवाहियों को नहीं बरतना होगा, सावधानी बरतने की अभी भी ज़रूरत है और लोगों को समझना होगा। इसके साथ ही जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो फेस मास्क का उपयोग ज़रूर करें, साथ ही अपने पास अगर उपलब्ध कर सकते हैं सैनिटाइजर तो सैनिटाइजर भी रखें, समय समय पे सैनिटाइज करें। इसके साथ ही अगर मार्केट में कई छूटें दी गई हैं लोगों को खरीदारी करने की, समय सीमा भी अब बढ़ाई गई है पहले के मुकाबले, तो उन लोगों को समझने की जरूरत है। अगर दुकान पे मार्केटिंग करने भी जाते हैं तो वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ऐसे भी कई लोग हैं जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों को, दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप भी मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। और इसके साथ ही प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कई राज्यों में छूट भी मिली है, आप भी सड़कों पर घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार आप देखते होंगे कि क्या कुछ जो माहौल है, तस्वीरें हैं बाहर, प्रशासन क्या पहले जिस तरीके से चौकस थी, लगातार लोगों पर निगरानी रख रही थी, चालान भी इसको लेकर काटे जा रहे थे, क्या प्रशासन अभी भी मुस्तैद नजर आती है? देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में वैसी स्थिति अभी नहीं देखने को मिल रही है जिस तरीके के हालात पहले थे। एक महीना पहले की बात करें जब बिहार में करीब एक महीने का लॉकडाउन लगाया गया था, उस दरमियान जो प्रशासन की मुस्तैदी थी सड़कों पे वो काफ़ी देखने को मिलती थी, और उस वक्त जो चेकिंग अभियान था वो भी पुलिस लगातार चला रही थी। लेकिन अगर अब की स्थिति देखें तो राजधानी पटना की हम बात करते हैं, पटना के हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर सुबह से ही गाड़ियाँ दिखने लग जाती है, और जो पहले की तरह भीड़ भाड़ होती थी सड़कों पे वो देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नदारद हैं, लोगों को समझाना तो दूर, वहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी ही नहीं है, प्रशासन है ही नहीं वहाँ पे, तो आखिर लोगों को कैसे समझाया जाए? जब तक प्रशासन लोगों को मुस्तैदी से नहीं समझाएगी, जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान जो भी लोग बाहर निकल रहे थे उनका चालान काटा जा रहा था, कई ऐसे लोग थे जो फेस मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे उन लोगों का चालान काटा जा रहा था, उन लोगों को समझाया जा रहा था, तो वैसी स्थितियां अब नहीं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अभी प्रशासन को और मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि अभी की जो स्थितियां हैं वो लोगों की संख्या ज्यादा सड़कों पे देखने को मिल रही है, और चाहे किसी दुकान की बात करें तो वहां पे भी लोग काफी संख्या में खरीदारी करने जा रहे हैं, बाजारों की बात करें तो वहां पे सब्जी मंडी में भी काफी भीड़ लग रही है, लेकिन वहां पे भी जो नियम है उनको ताक पर रखा जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझने की जरूरत है और प्रशासन को भी समझाने की जरूरत है। निषेध, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बिहार से भी अपडेट ले लेते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। मंगलवार को राज्य के कुल 1,06,644 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 658 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 688 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पटना में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 98.28% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,810 तक पहुंच गई है। निश्चित, बिहार में लगातार जो ये आंकड़े हैं उसमें कमी तो देखी जा रही है, लेकिन लापरवाही लोगों की तरफ से भी खासा देखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में भी स्थितियां पहले के मुकाबले अब ठीक हुई हैं, जिस तरीके के पहले के हालात थे बिहार में, लेकिन अब की अगर बात करें तो अब कई नियमों में छूट भी दी गई है, लोगों को रियायतें भी दी गई हैं, और जब कोरोना की संक्रमण कम हुई तो अनलॉक को भी अब बिहार में बढ़ा दिया गया है, नीतीश कुमार ने फैसला लिया। लेकिन उस दरमियान पटना की बात करें या बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पे जो स्थितियां देखने को मिल रही है वो बद से बदतर हैं।
सुबह सुबह पहले तो सब्जी मंडी में भीड़ हो जाती है, काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच जाते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे कोरोना की स्थिति ठीक है, और तीसरी लहर को लेकर जो बच्चे हैं उन पे वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रही है और लगातार सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि एकमात्र वैक्सीन अभी उपाय है जिससे लोग बच सकते हैं, लोगों को राहत मिल रही है। और सरकार का जो महाअभियान है टीकाकरण का वो भी चल रहा है, ग्रामीण इलाकों की बात करें या शहरी मोहल्लों की बात करें वहाँ पर भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर के, और बिहार की स्थितियाँ फिलहाल ठीक हैं। और इसके साथ ही बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 268 मरीज मिले हैं, तो स्थितियां अब ठीक हो रही हैं। पहले जो मरीज मिल रहे थे उनकी संख्या में काफी इजाफा हो रहा था, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो ठीक हो रही है। इसके साथ ही आंकड़े देखे तो अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण के कोरोना, ऐसे ये जिले हैं जहां पे 10 से भी कम एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। तो ये वैसे जिले हैं जहां फिलहाल 10 से कम एक्टिव मरीज मिल रहे हैं, लेकिन एक महीने अगर पहले की बात करें तो यहां पे स्थितियां ठीक नहीं थी, यहां पे रोजाना मरीज मिल रहे थे, या पटना की बात करें तो पटना में भी लगातार मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो ठीक हुई हैं, रफ्तार कम हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया भी बिहार में शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ पे कोरोना की रफ्तार कम हुई है। एक सवाल और है, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, अब अनलॉक 3 आज से लागू हो गया, अनलॉक 3 के बाद आपको जो क्या लगता है जो रियायतें मिली हैं उसमें आगे और भी ज्यादा छूट मिलेंगी? देखिए बिहार सरकार जो रियायतें दे रही है लोगों को वो धीरे धीरे दे रही है। जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी तो उस समय लोगों को कुछ और रियायतें दी गई थी, उसके बाद जब और एक्सटेंड किया गया तो उसमें और रियायतें लोगों को दी गई, तो धीरे धीरे जो चीजें थी उनको खोला गया है। पार्क भी पहले बंद थे तो उनको खोला गया, तो धीरे धीरे जो लोगों को रियायतें दी जा रही हैं सरकार की ओर से, स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, देखा जा रहा है कि बिहार में क्या स्थिति है, और उस स्थिति को देखते हुए जो तमाम फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अनलॉक किया था तो पटना में भ्रमण के लिए निकले थे, पटना का पूरा जायजा लिया था उन्होंने और स्थितियों को देखा था, उस समय वो काफी चिंतित भी हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उन लोगों से अपील की थी कि वो लोग लापरवाही ना बरते, और डीटीवी भारत भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है, और सावधानी बरते, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ले, क्योंकि एकमात्र अभी यही उपाय है जिससे राहत मिल सकती है। जी निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।